उसके बाद आपके पास आइडेंटिटीज हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज, उसके बाद हाफ हम पढ़ेंगे। डबल एंगल से बोलते हैं इसमें एंगल जो है वो डबल हुआ होता है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। बहरहाल तो साइन टू थीटा पे आ जाओ। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही इसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब इससे एक और चीज भी निकाली होती है उन्होंने, ये डबल एंगल फॉर्मूला आप साइन थीटा पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने एमसीक्यू देखा हुआ है, तो यहीं पे बात क्लियर कर देते हैं। साइन थीटा जो है ना, इस पे भी डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? साइन थीटा को आप इस फॉर्म में लिखो, साइन टू मल्टीप्लाई थीटा अपॉन टू। बात तो एक ही है, टू से टू कैंसिल होगा, दोबारा आपके पास थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा को मैंने इस तरह लिख दिया, लेकिन इस तरह कन्वर्ट करने से ना मैं अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं, सॉरी डबल एंगल। अगर आप इसमें देखो, टू के बाद जो भी एंगल आ रहा है वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है, तो इस पे आप डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ। यहां में टू के बाद क्या आ रहा है, थीटा अपॉन टू, तो थीटा अपॉन टू यहां पे भी आ जाएगा, थीटा अपॉन टू यहां पे भी आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होगा टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। तो डबल एंगल फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले पे। कॉस के तीन हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तीसरा फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। 10.2 में ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड सवाल सॉल्व करते थे, उसमें होता यह था कि आप डिसाइड करते थे कि इस डबल एंगल फॉर्मूले में से आपने कौन सा लिखना है। मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल करवाऊंगा, चलो तब मैं डिस्कस कर लूंगा कि किस सवाल के मुताबिक आपने कौन सा यूज करना होगा। अच्छा, अब जैसे साइन पे मैंने किया था ना डबल एंगल फॉर्मूला, मतलब साइन थीटा पे मैंने अप्लाई किया था, इसी तरह कॉस थीटा पे भी अप्लाई करने को आ सकता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे यही काम करोगे आप। तो जब कॉस थीटा पे आप डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो कॉस थीटा पे बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे थीटा अपॉन टू आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, ये फर्क पड़ेगा। कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कि एंगल को आपने टू से डिवाइड कर दिया बस। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन। और तीसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। साथ साथ मैंने ये भी चीज क्लियर कर दी है, ये एमसीक्यू से बड़ा आ रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ आप टेंजेंट पे। टेंजेंट टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेंजेंट टू थीटा के भी और फॉर्मूले होते हैं जो बुक में मेंशन है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है कि कहीं वो यूज हो रहे हो, लेकिन मैं चलो फिर भी बता देता हूं आप लोगों को। एक सेकंड, कहां पे हैं? तो टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला है, नहीं टेंजेंट टू थीटा के एक ही फॉर्मूला है, साइन टू थीटा के डिफरेंट फॉर्मूले ने लिखे हैं, मैं टेंजेंट की फॉर्म में जरा मैं वो लिखवा देता हूं, पूछ लिए गए तो देख लेना, लेकिन मैंने कभी देखे नहीं है ये, ना ही मुझे याद है इसका मतलब, आप समझ जाओगे इतने यूज नहीं होते ये। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ टेंजेंट के, साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मतलब इसी फॉर्मूले को कंसिडर कर लो, बस माइनस की जगह प्लस लिख दो। और कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है के वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा हुआ है, तो नोट कर लो अगर जरूरत हो। वैसे अगर आप भूल भी जाओ ना, आपके एग्जाम में अगर ये चीज आ जाए कि ये किसके बराबर है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। ऊपर आप टेंजेंट को लिखना साइन अपॉन कॉस, नीचे सेक स्क्वायर को लिखना वन अपॉन कॉस स्क्वायर। खुद ही आप अरेंज करोगे, देखना टू साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा होगा, जो कि बराबर होता है साइन टू थीटा के। तो आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको मिल सकता है। इसी तरह यहां भी आप ये काम कर सकते हो, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर को आप कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर की फॉर्म में, फिर आप एलसीएम ब्रेक करना,
वन अपॉन sec स्क्वायर माइनस tangent स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर। तो देखना एक तरफ cos स्क्वायर आ रहा होगा, एक तरफ माइनस साइन स्क्वायर आ रहा होगा, जो कि बराबर होता है cos 2 थीटा के। तो अगर इनके फॉर्मूले भूल जाओ तो आप इस तरह देख सकते हो। क्लियर है डबल एंगल फॉर्मूला? यहां पे कोई सवाल है तो पूछ लो। अब इनके चलो मैं पहले हाफ एंगल फॉर्मूले डिस्कस कर लूं, फिर मल्टीपल एंगल जो है उनको भी डिस्कस कर लूंगा। भाई मुझे पता है तुम्हारा सवाल, मैं तुम्हें अब सुनाऊंगा, बात सुन तो लो पहले, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, सब चीजें डिस्कस होंगी। अब मैं तुम्हें या तो डायरेक्ट रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ये बात बोली है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मुझसे नई चीज पूछना। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाना है क्या करना है। हाँ बोलो। ये वाला इसमें क्या बताऊं? यार इसको प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम प्रूफ इसका पूछ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर की जगह यहां पे पुट कर दो वन माइनस कॉस स्क्वायर, सॉल्व करना ये चीज आ जाएगी। और इसका अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो कॉस स्क्वायर की जगह पुट कर देना वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वाली चीज आ जाएगी। प्रूफ इसका यही है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं इसको समझाऊंगा। ज्यादा प्रूफ पूछे होगे तो प्रूफ मैंने बता दिया, इस तरह प्रूफ कर सकते हो। अब हाफ एंगल को देख लो। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का साइन की फॉर्म में। साइन, अच्छा अल्फा लिख दो या थीटा लिख दो, बात एक ही होती है, कोई भी नोटेशन यूज कर लो। साइन थीटा अपॉन टू का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू। इसको आप कहते हो हाफ एंगल फॉर्मूला। इस हाफ एंगल फॉर्मूले की डिफरेंट वेरिएशन भी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको जरा समझ लेना। हाफ एंगल इसलिए बोला जाता, इसको डबल एंगल क्यों बोलते थे, कि यहां पे जो एंगल होता था उसका डबल यहां पे मौजूद होता था। इसको हाफ क्यों बोलते हैं? जो यहां पे एंगल है थीटा उसका हाफ इधर मौजूद है, थीटा का हाफ क्या होगा? थीटा अपॉन टू। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपसे यहां पे फॉर्मूला पूछ लिया जाए साइन थीटा का, तो साइन थीटा को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, और साइन थीटा का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे? अगर आप निकालना चाहो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है हाफ एंगल फॉर्मूले का, कि जो यहां पे एंगल होगा उसका हाफ इधर मौजूद होगा। अगर यहां पे टू थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा? थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को आप हाफ एंगल फॉर्मूले में इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये भी इसकी एक वेरिएशन है। इसी तरह एक वेरिएशन ये भी हो सकती है। अच्छा, इसकी मैंने डिफरेंट वेरिएशन आपको बतानी चाहिए। अब यहां पे अगर थ्री थीटा आ जाए तो थ्री थीटा का हाफ यहां पे मौजूद होगा, वहां पे कोई भी एंगल आ जाए तो उसका हाफ यहां पे मौजूद होगा। दूसरी वेरिएशन ये है कि आपसे वो वन माइनस कॉस की वैल्यू पूछ लें, जो कि आपने इंटीग्रेशन में भी काम किया था। वन माइनस कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप स्क्वायरिंग कर लो। सबसे पहले अगर आप इस फॉर्मूले पे स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू आ जाएगा। और यहां पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू आ जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू किसके बराबर है? उसके बराबर है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि टू को मल्टीप्लाई करवा दें यहां पे, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, टू को जाके ना यहां पे मल्टीप्लाई करवा दें, यहां पे क्या बचेगा? वन माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। तो यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू के बराबर हो जाएगी। तो अब मैंने वही बात बताई, ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या क्या ही डिस्कस कर लूंगा। साइन स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो वन माइनस कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, तो इस तरह तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ये मशहूर है जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है खास तौर पे, ये वाला कि वन माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू के बराबर। या ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है कि वो एंगल को डबल ट्रिपल कर देंगे, यहां पर फोर थीटा कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू थीटा, मतलब उसका हाफ आ जाएगा। बाकी आप मजीद जब एमसी को सॉल्व करोगे खुद भी आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आप इनको देखना है। कॉस की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन टू बराबर होगा प्लस माइनस, जैसे इसमें नेगेटिव आता है इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। पूरा फॉर्मूला वही है, बस वहां पर नेगेटिव था यहां पर पॉजिटिव आ गया।
और तीसरा टेंजेंट की फॉर्म में अगर आपने सीखना है तो टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर ये पूरी चीज डिवाइड करोगे इससे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पूरा टेंजेंट का है। टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूले एक दो और भी होते हैं, ज़रा मैं बता देता हूँ आपको, इनको प्रूव भी कर सकते हो लेकिन देख लो इनको भी। टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा अपॉन 2 का एक फॉर्मूला ये भी होता है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें भी वेरिएशन आनी चाहिए ना आपको, जैसे अगर यहाँ पे थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ पे थीटा होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ इधर मौजूद है। अब लेट कर लो आपके एग्जाम में आ जाए स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे एंगल अगर 2 थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा, थीटा यहाँ पे मौजूद होगा। तो टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ यहाँ पे मौजूद होगा। अगर इधर दोनों 4 थीटा आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सेम फॉर्मूला इसमें भी है कि अगर यहाँ इन दोनों जगह पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, वहां पे अगर डिफरेंट होगा मतलब उसका हाफ यहाँ पे होगा। तो इसका एक फॉर्मूला ये है, इसका एक फॉर्मूला ये भी है, और इसका तीसरा फॉर्मूला ये भी है कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला है। साइन थीटा वाला फॉर्मूला में एक 5 थीटा की एग्जाम्पल, एक 5 थीटा की एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, 5 थीटा की एग्जाम्पल ये हो जाएगी कि अगर यहाँ पे आपको बोला जाए एग्जाम में कि बताओ 1 माइनस कॉस 5 थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। एंगल है 5 थीटा, 5 थीटा का हाफ क्या होता है, 5 थीटा अपॉन 2। अब आपको किसी ने नहीं कहा कि ये पॉइंट में कन्वर्ट करो इसको, डायरेक्ट 5 थीटा अपॉन 2 लिख दो, दैट्स इट। सर 3 अपॉन 5 थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, यार मुझे सवाल समझ नहीं आया। 3 अपॉन 5 थीटा, सवाल अगर आप पूछ सकते हो दोबारा पूछ लो, सवाल समझ नहीं आया आपका। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हाफ एंगल और डबल एंगल मैंने आप लोगों को बता दिए। थ्री अपॉन थीटा लिखा है, 3 अपॉन थीटा का हाफ क्या होगा? यार अगर तो आप ये बोल रहे हो कि इस टाइप का फॉर्मूला आ रहा है 1 माइनस कॉस 3 अपॉन थीटा, अगर इस तरह आ रहा है ये पूछा जा रहा है, तो 3 अपॉन थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 थीटा, और 3 अपॉन थीटा को 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसी फजूल सी चीज देंगे नहीं वो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो भाई कॉन्सेप्ट है कि यहां पे जो भी एंगल है उसका हाफ यहां पे होगा। सर अगर 2 अपॉन थीटा लिखा हो, मतलब वही सवाल है ना जो उसने पूछा था, 3 अपॉन थीटा हो तो इस तरह कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थीटा जहां भी होता है वो न्यूमरेटर के अंदर ही देते हैं, वो डिनोमिनेटर में नहीं देते, लेकिन अगर आ जाए तो फिर इसी तरह होगा। अच्छा, अब यहां पे कुछ मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हैं, जैसे आपने 2 थीटा देखा है डबल एंगल में देखा था, अब कुछ मल्टीपल हैं जैसे 3 थीटा या 4 थीटा, ये चीजें आ जाएं। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो अगर तो आप याद रख सकते हो, जो कि मुश्किल है काफी चीज कि आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले ये तो आप चलो क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते थे, ये वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते नहीं थे। मैं इसका हल भी बता दूंगा अगर ना याद रहे फिर क्या होगा, और वैसे फॉर्मूले भी बता देता हूं। सबसे पहले साइन की फॉर्म में आप डिस्कस कर लो, अगर आ जाए साइन 3 थीटा तो ये बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहीं पे इंप्लाइड है इस चीज पे कि अगर आपसे साइन क्यूब का फॉर्मूला पूछ लें तो साइन क्यूब का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, इस टर्म को उधर ले जाना, पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से डिवाइड कर देना तो साइन क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो इस तरह भी वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा कॉस की फॉर्म में देख लेते हैं, कॉस थ्री थीटा बराबर होता है फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री साइन, सॉरी माइनस थ्री कॉस थीटा ही होना चाहिए। हाँ तो इसमें पैटर्न जहां तक मुझे नजर आ रहा है, इसमें साइन था फिर साइन क्यूब था, इसमें कॉस क्यूब है फिर कॉस है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो अगर चाहो तो। और तीसरी चीज है कि टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट थ्री थीटा बराबर होता है थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा मैंने तीन और फॉर्मूले लिख दिए, एक तो थ्री थीटा था एक फोर थीटा है, लेकिन फोर थीटा वाले फॉर्मूले में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको शौक हो तो आप लोग याद कर लो, एनईटी में तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, खासतौर पर टेंजेंट वाला तो मुझे नजर नहीं आया, इसी तरह साइन वाला भी नहीं है, कॉस वाला थोड़ा मशहूर है ये आ सकता है, अगर याद करना चाहो तो कॉस फोर थीटा का याद कर लो। ये वाला फॉर्मूला मैंने वेरीफाई नहीं किया यार, आप लोग इसको प्रूफ करके देख लेना, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि खूबसूरती रहे, लेकिन ये मैंने नेट से कॉपी किया है तो मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला ठीक है आखिरी वाला है गलत है, लेकिन जो बाकी फॉर्मूले ये तो मैंने वेरीफाई किए हैं सारे के सारे। अब मसला ये है कि अगर आपको एग्जाम में ना याद हो तो उसका हल क्या है, तो उसका मैं हल बता रहा हूँ। ये जो फोर थीटा है ना, ये तो 10.3 में लिखे हैं, अगर आप 10.3 को खोलो उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके इनके प्रूफ देख लेना कि अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद तो आप किस तरीके से प्रूफ करोगे। बेसिकली फोर थीटा को आप चेंज कर दोगे टू थीटा प्लस टू थीटा में, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये काम आपको 10.3 में मिल जाएगा। मैं आपको जरा थ्री थीटा के फॉर्म में एक बता देता हूं कि अगर आप भूल जाओ तो एग्जाम में किस तरह आप इसको याद रखोगे। तो जैसे हम कंसीडर करते हैं साइन वाला केस, प्रूफ आपको करना, लेट कर लो साइन थ्री थीटा से आपसे वैल्यू पूछी जाए, ये एमसीक्यू आता है कि बताओ साइन थ्री थीटा किसके बराबर है। सर सारे फॉर्मूले छोड़ दें थ्री और फोर थीटा वाले, थ्री वाले मैंने वही तो बताया कि इसका हल मैं बता रहा हूं कि क्या होगा कि अगर भूल जाओ, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो साइन थीटा प्लस टू थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो। इस पे फॉर्मूला लगा दो साइन अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहां पे अल्फा था थीटा, बीटा था टू थीटा के बराबर। अब अगर आप लोगों को याद हो तो आपने कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले पढ़े हुए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इन फॉर्मूलों को यूज कब करेंगे, वो अब आपको समझ आएगी कि कौन से फॉर्मूले को कैसे हम यूज करते हैं। अब अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर आपका पूरा सवाल साइन की फॉर्म में, जो कि ज्यादातर होता है क्योंकि साइन थ्री थीटा का आंसर पूरा साइन की फॉर्म में होता है, तो अगर आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन साइन की फॉर्म में, तो आप कोशिश करो कि आप हर चीज को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कॉस टू थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो साइन की फॉर्म में था, आखिरी वाला अगर आपको याद हो तो आखिरी फॉर्मूला था कॉस टू थीटा का, वो था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो आप वो वाला लिख लो, ठीक है। यहां पे क्या कर सकते हो, साइन टू थीटा का एक ही फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा यहां पे जो कॉस आएगा वो इस वाले कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इतना टाइम नहीं है, फिर आप जरा मल्टीप्लाई करो साइन को इससे करो तो साइन क्यूब हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर, और ये टू साइन थीटा अपनी जगह पे, इनको कॉपी करो, टू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो वन से तो टू साइन थीटा आ जाएगा, टू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो माइनस साइन स्क्वायर से तो माइनस टू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो देखो एक साइन थीटा यहां पे था दो यहां पे है, तो ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब माइनस टू साइन क्यूब, ये हो जाएगा माइनस फोर साइन क्यूब, और ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो या तो आपके पास दो स्टेप हैं, अगर आप याद करना चाहो तो इन तीन फॉर्मूलों को याद कर लो और कॉस फोर थीटा याद कर लो, अगर आए तो ये आ सकते हैं, नहीं याद हो सकते तो हल मैंने बता दिए कि चार पांच स्टेप करने के बाद भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आप इस तरह भी प्रूफ कर सकते हो। ये वाला स्टेप इसमें कुछ भी नहीं किया, ये वाला कह रहे हो या ये वाला कह रहे हो? अच्छा सही है, इसमें देखो हुआ ये है कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया था कॉस थीटा आना चाहिए था, और एक कॉस ये वाला पहले से मौजूद था,
तो इस कॉस को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मैंने कॉस को लिख दिया था। अच्छा अब ये तो थे मल्टीपल एंगल वाले, अब हमारा टॉपिक है कि पावर्स अगर आ जाएं आपके पास, पावर फॉर्मूले कर लेते ना इसको जरा। अच्छा कुछ तो वही है जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, जैसे अभी आपने मैंने बताया था हाफ एंगल फॉर्मूले में एक चीज निकाली थी कि 2 sin² α/2 बराबर था 1 cos α के, अगर आपको याद हो ठीक है। थीटा कर लो जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाफ एंगल फॉर्मूले को हमने किस तरह सिंप्लीफाई किया था, तो ये पूरी चीज आ रही थी ठीक है। अब फॉर्मूला इस तरह भी आ सकता है कि अगर वो आपसे पूछेंगे बताओ sin² θ किसके बराबर है, अब अगेन वही बात कि sin² θ का एक फॉर्मूला तो cos² की फॉर्म में भी होता है 1 cos², लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं है और ऑप्शन में कुछ अजीब सी चीज लिखी हुई है तो वो जरा देख लेते हैं अजीब सी चीज कैसे आएगी। अब देखो अभी तो आपने sin²θ/2 देखा हुआ था, θ/2 से अगर आपने बचना है तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा 2θ, क्योंकि आपको पता है यहां पे जो एंगल है उसका हाफ इधर मौजूद होता है, 2θ का हाफ क्या होगा थीटा के बराबर। पहले तो आपने ये चेंज किया, उसके बाद आप इस 2 को हटा के यहां पे ले जाओ तो sin²θ बराबर हो जाएगा 1 cos²θ/2। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हाफ एंगल फॉर्मूला था, बस हाफ एंगल फॉर्मूले में दो काम कर रहे हैं, एक तो एंगल 2θ करना यहां पे थीटा आ जाएगा, दूसरा आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेना तो ये पूरी चीज आ जाएगी। और ये आपने अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन में 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1-2 जो थे ऐसे कि जिसमें sin² को आप इंटीग्रेट करते थे तो sin² की जगह ये फॉर्मूला आप लिखते थे, तो ये वही वाला है, मतलब हाफ एंगल से आपने निकाला है। इसी तरह cos का भी आप लिख सकते हो ऐसे कि cos²θ बराबर होगा 1 cos²θ/2, और tangent स्क्वायर का भी हो जाएगा, tangent स्क्वायर का है कोई, हाँ ये मिस्टेक की हुई मैंने यहाँ पे। अच्छा tangent स्क्वायर का ये हो जाएगा कि आपने देखा था ना कि tangent का फॉर्मूला क्या था, tangent θ/2 का फॉर्मूला था 1 cos θ 1 cos θ, तो आप थीटा ना लिखो आप 2θ कर दो, तो अगर यहां पे 2θ आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। दूसरी बात आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, यहां पे स्क्वायर यहां पे रूट हट जाएगा तो tangent स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है अच्छा अगर क्यूब का आ जाए तो क्यूब का आप यहां से निकाल सकते हो, -4 sin³ को आप अरेंज करके इस तरह कर सकते हो, ये भी हल हो सकता है इसका। कोई सवाल यहां तक? हमने डबल देख लिया, हाफ देख लिया, मल्टीपल देख लिया, पावर देख लिया, सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है जल्दी से पूछ लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो वरना इसका। ठीक है फिर हमारा ज्यादातर एक ही टॉपिक रह गया। अच्छा प्रैक्टिस अगर आपने करनी है इन फॉर्मूलों की मजीद तो मैं रिकमेंड करूंगा 10.1 10.2 10.3 में जितने प्रूफ वाले सवाल है ना उनकी आप एक साइड सॉल्व कर लो, जैसे प्रूफ करते हुए आप एक साइड सॉल्व करते हो ना तो आप जरा उन साइड को सॉल्व कर लो और उसका आंसर निकाल लो। मैंने वही बात बताई कि आप ऑप्शन देख के आंसर निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज को डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो लेकिन उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो 10.1 10.2 10.3 में जितने प्रूफ वाले सवाल हैं, बड़ा है या छोटा है प्रैक्टिस उसकी कर लो, क्योंकि देखो MCQs में छोटे ही आपको देंगे लेकिन अभी से अगर आप बड़े भी बेशक करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको मेथड पता चल जाएगा। एग्जाम में बेशक छोटे आने लेकिन आप ये 10.1, 2, 3 को सॉल्व कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। मैं चाहूँगी तो मैं इतनी नहीं करवा सकता, या तो मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूँ आपको, तो बेहतर है कि आप इनको सॉल्व कर लो, आपकी 10 चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको ये जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना सब अप्लाई करना आ जाएगा आपको।